की किल्लत को लेकर किसान परेशान। अधिकारियों की मौजूदगी में खाद में हो रही है धांधली। किसान खाद के लिए आज भी परेशान हो रहा है। खाद वितरण केंद्रों पर किसानों की लाइन खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही है। पुलिस और प्रशासन के अधिकारियों की मौजूदगी में खाद बांटी जा रही है। सुबह 11:30 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक खाद बांटी गई। करीब 2000 बोरी खाद आई थी जिसे किसानों को वितरित किया गया। सभी किसानों को 4-4 बोरी खाद दी गई। किसानों ने बताया कि खुले पैसे के चक्कर में 4-4 बोरी खाद बांटी गई है। 275 रुपए प्रति बोरी के हिसाब से 4 बोरी खाद की कीमत 1100 रुपए होती है और 5 बोरी खाद की कीमत 1375 रुपए। किसानों ने बताया कि खाद नहीं मिलने से बहुत परेशानी आ रही है। किसानों को खाद के लिए मशक्कत करना पड़ रही है, आसानी से खाद का वितरण भी नहीं हो पा रहा। वहीं दूसरी ओर देखा जाए तो अधिकारियों की मौजूदगी में धांधली हो रही है। जब हमारे संवाददाता ने इस विषय में तहसीलदार से बात करना चाही तो तहसीलदार सफाई छाटते हुए नजर आए। वहीं देखा गया कि महिलाएं 100 रुपए मजदूरी के तौर पर लाइन में लगी हुई हैं। वहीं जब महिलाओं से इसकी जानकारी ली गई तो बताया गया कि हमें तो 100 रुपए मजदूरी के तौर पर यहाँ खड़े रहने के लिए मिलते हैं। वहीं जब हमारे संवाददाता ने पूछा कि आपको किसने लगाया है तो महिला के द्वारा एक व्यक्ति का आधार कार्ड, जमीन की किताब एवं बैंक की किताब बताई गई। वहीं रातों रात गायब हो जाते हैं खाद से भरे ट्रक। वहीं लाइन में लगे किसान के द्वारा बताया गया कि आज 4 ट्रक खाद आई है लेकिन सुबह तक ये खाद नहीं बचेगी क्योंकि रात में ही खाद ब्लैक में गायब हो जाती है। वहीं एक और खास बात देखने को मिली कि जो कर्मचारी खाद बांट रहे हैं वो अपनी पहचान के व्यक्ति को 100 रुपए ज्यादा लेकर खाद पहले ही दे देते हैं। आरोन से ग्राउंड रिपोर्टर मिथुन शर्मा की रिपोर्ट। आपका क्या कहना है? मैं कह रहा हूँ साहब नहीं मिल रहा हूँ, ठीक है। आप रात में ट्रक बचते ही नहीं मंडी में, बिकते है जाती यू जाते धरे हैं, बिकते है गाय बिकते है जा रहे हैं, जात पूछी जा प्रशासन रात में ब्लैक कर देती है। आओ चार ट्रक बच रहे हैं साहब के पास, जो माल वितरण दुकान है और बस चार परेशान हो रहा है साहब। कितने बजे के खड़े? 6 बजे के लागे हैं, भूखे प्यास से लागे सुबह की। सुबह की और ये वही रहे लग रही है, 200 रुपया दे रहे हैं। और ये जरासी लाइन है, आपके आगे ज्यादा 25 लोग होंगे और अभी तक नंबर नहीं आया। नहीं आया भाई, ऐसे हम वही पर से पहली तरह तो क्या हो रहा है समस्या? जब बढ़ जाते हैं कछु वही रहने पैसा दे देते हैं, वही 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 लग जाते हैं, एक एक वही 10-10 आदमी मिलते। अच्छा लेडियो को खड़ा कर देते हैं? अगर लेडियो को खड़ा करेंगे तो ये कोई वो थोड़ी है, लेडियो को पहले मिले एक ही मिले, लेकिन भाई की भाई फिर हो जाती है 10-10 भी ले रही है, एक लेडीज 10 भी ले रही है। ये समस्या है, भाई की भाई खड़ी कर दे वही हट जाता ना। क्या करने आई हो यहाँ? लाइन में लग रही हूँ खाद के लिए। किस लिए आई हो? किसने कहा आपसे खाद में लगने के लिए? कितने बीघा जमीन है आपके पास? हमारे पास नहीं है, मेहनत से लगी है, मेहनत से लगी हो। कितने पैसे दिए आपको? कितने फंस गए? आपको कितने पैसे दिए हैं? कितने किसने दिए हैं? इन्होंने ही दिए हैं क्या? 100-100 रुपए में? कौन कौन है 100-100 रुपए में जो लगी है? जी समय सुनने में आ रहा है कि जान पहचान वालों को या रिश्वत दे करके ज्यादा पैसे लेकर के दे रहे हैं। आधार कार्ड और खाते की किताब में उसकी एंट्री करके खाद का वितरण किया जा रहा है और जितनी भी लोगों को वितरित की गई है उनका पूरा रिकॉर्ड रजिस्टर में मेंटेन किया गया है और किसी भी जो योग्य नहीं था व्यक्ति, जिसको पात्रता नहीं थी, उसका वितरण नहीं किया गया है। कुछ लेडीजों का उपयोग कर रहे हैं लोग, पैसे देकर के उनको लाइन में लगा देते हैं, प्राथमिकता उनको मिलती है। किसी को भी खाद प्रदाय नहीं किया गया है, काउंटर से उन्हें वापस कर दिया गया है, दस्तावेज का मिलान ना होने से। तो जिसका दस्तावेज है चाहे वो लेडीज हो या फिर जेंट्स, उसको दिया जा रहा है क्या? हाँ। पर लेडीज तो लगी हुई है लाइन में, ऐसे आपने देखा क्या? हाँ लगी हुई है, मिलेगा नहीं उनको? नहीं,